अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या है, उसके सिंटैक्स एग्जांपल्स डिस्कस की थी। और आज के लेक्चर में हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हमने डेफ को यूज करते हुए उसके प्रोग्राम्स लिख के देखने हैं और चेक करना है उसका रिजल्ट कि हमारे पास आइदर वैसे ही आउटपुट आ रही है या नहीं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है जी, तो जल्दी से चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। ये जी आपने डेव खोल लेना, उसमें एक फाइल आपने बना ली है, सेव की हुई है, उसकी एक्सटेंशन हमारे पास सी है। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले से हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो अभी हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, हमने प्रिंट एफ को चेक करना है। तो सबसे पहले आपने जो प्रिंट एफ पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या था, प्रिंट एफ आपने कीवर्ड लिखना है सबसे पहले। ठीक है, ब्रैकेट्स हमेशा आएंगी और फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो आपने हमेशा डबल कोटेशन में लिखना होता है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि कोई भी टेक्स्ट आ सकता है। ठीक है जी, तो हम सिंपल हेलो वर्ड हमने टेक्स्ट लिख दिया है। अब इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो एज इट इज आपको स्क्रीन पे नजर आता है। ठीक है जी, तो अभी हम इसको चला के देखते हैं। ये जी हम एग्जीक्यूट करते हैं। चले जी, ये देखें जी, सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, आपने जो भी चीज लिखी थी प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे डबल कोटेशंस में, वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट की एग्जांपल हो गई है। अब और इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे थी फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या आपने अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना है तो वो कैसे करेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर हम सिर्फ उस केस में यूज करते हैं जब आपने किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं इंट एम। ठीक है, इक्वल टू 10, इसको वैल्यू भी हमने असाइन कर दी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, हमने स्क्रीन पे शो करवानी है द वैल्यू ऑफ एम इज। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट का पार्ट आ गया। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है फॉर्मेट स्ट्रिंग को। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को मेंशन करना है। ये वाला पूरा पार्ट जो डबल कोटेशन में है, ये आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है और इसमें हमने अब मेंशन करना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आता है। जैसे यहाँ पे इंट डेटा टाइप हमने लिखनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं परसेंट का सिंबल और उसके बाद डी। ठीक है, जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि वैल्यू डिस्प्ले हो, वहाँ पे आपने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। ठीक हो गया, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट में एम की वैल्यू शो हो तो स्टार्ट में लिख दें, मिड में चाहते हैं तो मिड में लिख दें, एंड पे चाह रहे हैं तो एंड पे लिख दें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिए हैं और फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे हमारी खत्म हो रही है। डबल कोटेशन के बाद हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, जाहिर है जिसको आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं जी, रन एंड कंपाइल। चलें जी, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया, द वैल्यू ऑफ एम इज 10। ठीक है जी, तो ये भी हमने चेक कर लिया है। अच्छा, अब लास्ट में जो हमारे पास आ रहा था फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, अगर आपको नहीं भी याद तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, फॉर्मेट स्ट्रिंग की हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट हमने सिंपल डिस्प्ले करवा के देख लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख के भी देख लिया, अब एस्केप सीक्वेंस को देख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, एस्केप सीक्वेंस बेसिकली किस लिए यूज़ कर रहे थे हम यूज़ करते हैं अपनी आउटपुट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, अब देखें, जैसे मैं यहाँ जा रही हूँ कि द वैल्यू ऑफ एम जो है वो एक लाइन पे लिखा है और उसके बाद जो वैल्यू है वो अगली लाइन पे लिखी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बैक स्लैश एन लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी आउटपुट पे क्या फर्क पड़ा है। ये देखिए जी, द वैल्यू ऑफ एम इज, देखिए यहाँ पे इसके बाद हमने बैक स्लैश एन लगाया था ना, यानी कि न्यू लाइन पे ले जाए वो आपको, तो जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन पे चली गई है। ठीक है, इसका पर्पस सिंपल जो है वो एस्केप सीक्वेंस का डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपके आउटपुट को शो करवाना है, उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास प्रिंट एफ से रिलेटेड चीज़ें थी। ठीक है, आपने देख लिया है, अगर आप एक से ज़्यादा अब वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स डिस्प्ले, पहले ऑब्वियसली बात है उनको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एम कर लिया है और एक एन कर लिया है। चलें जी, अब m को भी वैल्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं दोबारा से और n को भी करवा देते हैं। ठीक है, अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो आपकी
फॉर्मेट स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, लेकिन आपका ये जो अंदर है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको आपने उतने टाइम्स लिखना है, परसेंट डी, ठीक है? दो दफा आ जाएगा, पहले परसेंट डी एम के लिए, दूसरा परसेंट डी एन के लिए, ठीक है? अभी आपने यहाँ पे एम लिख दिया है और यहाँ पे आ जाएगा एन, ठीक है? अब इसको हम चला के देखते हैं। अच्छा, इनके दरमियान थोड़ा हम बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि आपके पास थोड़ी वैल्यूज जो है वो प्रेजेंटेबल नजर आए। द वैल्यू एफ एम एन ऑफ एम एंड एन इज, ठीक है? उसके बाद हमें वैल्यू नजर आनी चाहिए। चले जी, एरर आ गया। एरर क्या है? यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं। चले जी, अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट किस तरह का आता है, ठीक है? द वैल्यू ऑफ एम एंड एन इज 10 एंड 20, ठीक है जी? तो बिल्कुल इसी तरह हमने ये देख के लिखा था, द वैल्यू ऑफ एम एंड एन इज परसेंट डी आ गया, ठीक है? परसेंट डी जो पहला है वो इस एम के लिए यूज हो रहा है, फिर बैक स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए, फिर परसेंट डी है जो इस एन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी? तो ये तरीका है अगर आपने एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन पे शो करवानी हो, ठीक है जी? तो इसके अलावा अगर आपने कोई और डेटा टाइप यूज की है तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्पेसिफायर आ जाएगा। जैसे अगर आपने फ्लोट यूज करनी है तो उसके लिए हम उसका स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंट एफ, ठीक है? और अगर आपने करेक्टर यूज करना है तो उसके लिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है परसेंट सी, और इसी तरह स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस, ठीक है जी? तो ये सिंपल हमारा लेक्चर था, प्रिंट एफ की प्रैक्टिस हम कर रहे थे कि आपने इसको कैसे यूज करना है। अब इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।